ओके सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड टेक चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ सैमसंग कीज़ कैफ़े के बारे में, जो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। बट आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे एंड बात करेंगे कि आप इस यहाँ पर जो सैमसंग कीज़ कैफ़े है, ये इसको और ज़्यादा बेटर तरीके से आप कैसे यूज़ कर पाएंगे। जब मैंने इसके ऊपर पहले एक वीडियो बनाई थी तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का सवाल था कि भाई सैमसंग के A51 में ये चीज़ क्यों नहीं है, स्टाइल योर ऑन कीबोर्ड। बेसिकली ये दो फंक्शन तो हमें देखने को मिल जाते हैं। मैंने इसके ऊपर बताया है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे एंड ये ऑलमोस्ट सैमसंग के सभी स्मार्टफोन्स में वर्क करता है, चाहे आपका One UI 2 ही क्यों ना हो तो वहाँ पर भी वर्क करेगा। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको कार्ड, वहाँ से आप उस वीडियो को चेकआउट कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। इसके अलावा इन दो फीचर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो। आज की इस वीडियो में हम जो इसका मिडल यानी कि बीच का जो ऑप्शन देखने को मिलता है, पहले हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता था, ये One UI 2.1 तक इसके दो ही फीचर सपोर्टेड है, One UI 2 और One UI 2.1। बट जो One UI 2.5 है उसके अंदर हमें जो यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसका नाम है स्टाइल योर ऑन कीबोर्ड। बेसिकली ये काफ़ी बेटर है एंड इन दोनों सी फंक्शन से एक स्टेप अप है। यहाँ पर ये कमाल के हैं ही, बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा मेरे को पसंद आने वाला फीचर लगा है। यहाँ पर सबसे पहले चीज़, आप जो अपना कीबोर्ड है उसके यहाँ पर काफ़ी सारे तरीके के थीम्स देखने को मिल जाते हैं, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको अपडेट करना पड़ेगा पहले मेरे को, उसके बाद में जो है आई गेस ये काम करेगा। तो मैं पहले इसको अपडेट कर लेता हूँ एंड उसके बाद में ऑलराइट। तो एप्लीकेशन को अपडेट करने के बाद में हम यहाँ पर कोई सा भी जो थीम है उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के ऊपर। यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा एंड ये थीम पार्क जो है हमारा यहाँ पर आप देखेंगे अप्लाई करेगा एंड देयर वी गो। यहाँ पर जो हमारा कीबोर्ड है उसमें कुछ इस तरीके का जो थीम है वो अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे थीम देखने को मिलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर हम जो बेस्ट होता है एक बार यूज़र सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कौन कौन से जो है हमें जो ऑप्शंस हैं वो देखने को मिलते हैं एंड काफ़ी सारे हैं। मेरे को ये बढ़िया लग रहा है और एक ये वाले लगाते हैं फिलहाल। तो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है प्रीपेइंग डाटा, अबाउट टू इंस्टॉल थीम, ओके एंड देयर वी गो। यहाँ पर जो हमारा थीम है वो अप्लाई हो चुका है, कुछ इस तरीके का लग रहा है जो कि काफ़ी बेटर लग रहा है मेरे को तो। एंड इसके अलावा यहाँ पर आप माय थीम पे जा कर के भी अपना थीम खुद से क्रिएट कर सकते हैं, खुद अपने कलर बना सकते हैं एंड यहाँ पर आप कोई सा भी कलर ले ले करके जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ओके ये अच्छा लग रहा है। एक बार मैं यहाँ पर आप जो है ग्रीन कलर, ओके कलर का कोड भी आप देखोगे भाई, कलर का कोड भी बता रहा है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है मेरे को। तो अभी मैं थोड़ा लाइट लेता हूँ ये एंड यहाँ पर तरह तरीके का मैं थीम बना करके दे देगा उस कलर के, जो उसको हम जो है अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा डार्क शेड देखता हूँ कोई अच्छी सी, ये वाला हम सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको जो है हम सेव कर देते हैं ग्रीन के नाम से एंड ये यहाँ पर हमारा जो थीम है वो बेसिकली क्रिएट हो गया है एंड यहाँ पर ये रहा हमारा वो थीम जो कि हमने अप्लाई किया। ओके हो गया, जस्ट आपको टैप करना है एंड ये जो है अप्लाई हो जाएगा। ओके ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है, वो बाद में ट्राई करेंगे हम। काफ़ी फास्ट है भाई, मतलब काफ़ी जल्दी अप्लाई हो गया। वेल यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम है इफ़ेक्ट्स। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जब आप टैप करते हैं ना तो जो इफ़ेक्ट आता है वो यहाँ से आता है, तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे तरीके के इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने लगाया हुआ है वो मेरे ख्याल से बेस्ट है एंड इसमें भी हम जो है कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाले कलर आएंगे अब एंड ये वाले कलर्स आएंगे, मेरे को यही बढ़िया लगता है, मतलब कोई सा भी अपनी मर्ज़ी से कलर दे देता ना वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा। एंड यहाँ पर ये वाला भी है, थोड़ा सा आप देखोगे जो इफ़ेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। अभी ये है, अब थोड़ा सा चेंज हुआ, अब फिर से चेंज हुआ एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे हमें जो है इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते हैं। इसमें भी हमें डिज़ाइन देखने को मिल जाते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा मतलब की का डिज़ाइन है। ओके
ओके, की के अंदर आप देखोगे यहाँ पर भी डिज़ाइन देखने को मिल रहा है की के अंदर। ये तो है नॉर्मली, मैं इसे कर देता हूँ बाई डिफॉल्ट जो था, बट जो की है इसमें भी हमें डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। एंड की मोशन भी है यहाँ पर, दो तरीके का हमें की मोशन देखने को मिलते हैं। जब आप की को प्रेस करेंगे ऊपर की तरफ चाहिए नीचे की तरफ चाहिए, तो अभी आप देख रहे हो ये ऊपर की तरफ आ रहा है, मैं इसको जो है नीचे की तरफ कर देता हूँ। अब ये नीचे की तरफ दबेगा, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर है। आप अपने पर्सनल प्रेफरेंस पर भी जो आपको बेटर लगता है वो कर सकते हैं, एंड ये सब ट्राई करके देखते हैं। ओके, दैट वाज कूल। एक जो हैप्टिक फीडबैक है एक तो उसकी वजह से, दूसरा यहाँ पर इमोशन है और काफ़ी सारे फंक्शन देखने को मिलते हैं उसकी वजह से। यार ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगता है। एंड आप मेरे ख्याल से अगर आप सैमसंग का गैलेक्सी A51 यूज़ कर रहे हो, A71 यूज़ कर रहे हो, या कोई भी ऐसा स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो जहाँ पर कि हमें 1UI 2.5 देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली इस चीज़ को ट्राई करना भाई, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। वेल, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो लगती है लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।